नमस्कार दोस्तों, मैं सागर मौर्या। आज मैं आप लोगों को अपने सौरमंडल के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। सौरमंडल के अंतर्गत, सौरमंडल तो हमारा बहुत बड़ा है, उसके अंतर्गत मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, ग्रह, प्लैनेट। प्लैनेट, प्लैनेट किसको कहते हैं पहले ये बताओ। प्लैनेट एक ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी भी तारे के निश्चित कक्षा पे परिक्रमा करता है, उसको हम प्लैनेट या ग्रह कहते हैं। किसी भी ग्रह का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं कि प्लैनेट हमारे आसपास या हमारे पृथ्वी के साथ कुल मिला के प्लैनेट की संख्या आठ है। 2006 से पहले प्लैनेट ग्रहों की संख्या 9 थी, जिसपे प्लूटो भी ऐड हुआ करता था। 2006 के बाद प्लूटो को हटा दिया गया और प्लूटो को बौने ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये प्लैनेट जो है, जितने हमारे आठ प्लैनेट हैं, ये सूर्य हमारा एक तारा है। सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा पे ये परिक्रमा करते हैं। अब यहीं पे हम देख लें कि प्लैनेट, अगर प्लैनेट के आकार के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा है जुपिटर, जिसको हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। दूसरे नंबर पे आता है शनि, तीसरे नंबर पे आता है अरुण, चौथे पे आता है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह हमारा है वरुण, और पांचवा हमारा है हमारी प्यारी धरती। उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध आता है। अगर यहीं पे हम देखें कि ये हमारा आकार के हिसाब से है, अगर हम देखें सूर्य से दूरी किसकी कितनी है, सूर्य के सबसे नज़दीक हमारा प्लैनेट बुध है। उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। अब यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए, ये सूर्य है, सूर्य के जस्ट करीब पे बुध है, फिर शुक्र है, ये हमारी पृथ्वी है, हमारी प्यारी धरती है जिसपे हम निवास करते हैं, ये मंगल है, ये हमारा, उसके मंगल के बाद जो है बृहस्पति के बाद शनि आता है, फिर ये अरुण है, ये वरुण है। अब एक चीज़ और दोस्त आप देखिएगा कि मंगल और बृहस्पति के जो क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे खगोलीय पिंड या गैसीय गोले हैं, जिनकी एक पट्टी सी है, आप देखे होंगे सौरमंडल पे, ये छोटे छोटे ये जितने भी डार्क आ रहे हैं, ये हमारे क्षुद्र ग्रह हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब इस पे देखें कि अगर मान लीजिए इस वक्त जो है, अगर देखें कि कभी कभार क्वेश्चन में आप लोगों के, चाहे जो भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे UPSC दीजिए, स्टेट PCS दीजिए, SSC, anyone, कोई भी एग्ज़ाम, कभी कभार पूछ लेता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अब आप यहाँ देखें कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन बुध सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म हमारा ये शुक्र है। शुक्र का तापमान 400 से भी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे बर्फ़ में रख दिया जाए, जब बर्फ़ जमी हुई रख दिया जाए, रखते ही ये खोलने लगेगा, इतना ही गर्म। और ये हमारी बुध है, इसमें कोई भी वायुमंडल नहीं है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके उपग्रह कौन कौन से हैं। ओके, बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी एक भी नहीं है, हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, मंगल के दो उपग्रह हैं, और सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं 67 है। फिर दूसरे सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ये शनि है, बृहस्पति के इसके हम मैं लिख देता हूँ ये 67, इसके 63 है, अरुण के हमारे 27 हैं, अरुण के 27 हैं, और वरुण के 14 उपग्रह, और मंगल के हैं 2, पृथ्वी के हमारे हैं 1, और शुक्र और बुध के एक भी नहीं उपग्रह हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, कभी कभार देखते हैं कि आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि भोर का तारा किसको कहते हैं या सांझ का तारा किसको कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा, जो भी क्वेश्चन में है, वो हमारा शुक्र है, इसको भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं, भोर और सांझ का तारा।
तारा, शुक्र कहते हैं। अब एक एक क्वेश्चन और अधिकतर क्वेश्चन पेपर में बनता है कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, बहन बहन कहते हैं, क्योंकि शुक्र का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग एक समान है। इसलिए अब कभी कभी पूछ लेता कि नीला ग्रह किसको कहते हैं, नीला ग्रह हमारे पृथ्वी को कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। ये इसलिए कि यहाँ पानी पाया जाता है, पानी की उपलब्धता के कारण पृथ्वी हमारी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और एक और आता है कि लाल ग्रह किसको कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, लाल ग्रह मंगल को, क्योंकि यहाँ आयरन की अधिकता होती है, आयरन की अधिकता, अधिकता आयरन की अधिकता होती है। अब कभी कभार एक आता है कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं, अरुण को कहते हैं। अब एक एक क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है कि उल्टा ग्रह किसको कहते हैं, उल्टा ग्रह भी शुक्र, उल्टा ग्रह शुक्र को कहते हैं, उल्टा ग्रह शुक्र को कहते हैं। ओके, अब एक आता है कि हरा ग्रह किसको कहते हैं, हरा ग्रह हमें हरा ग्रह शनि को कहते हैं, हरा ग्रह, हरा ग्रह इसलिए कहते हैं कि यहाँ सल्फर की मात्रा, यहाँ सल्फर की अधिकता के कारण शनि को हरा ग्रह कहते हैं। अब एक चीज और आता है कि पीला ग्रह, हरा ग्रह सॉरी हरा ग्रह हमें अरुण को कहते हैं, अब पीला ग्रह शनि को कहते हैं, ये हरा ग्रह अरुण को और पीला ग्रह शनि को कहते हैं। शनि को कहते हैं पीला ग्रह। ओके दोस्तों, अब ये हमारे ग्रह है, ये एक नार्वल ग्रह के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया। और छोटे मोटे आपके चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, जो भी है, जो भी एग्ज़ाम है, उस पर प्री में अधिकतर क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगी। और इससे भी और कोई जानकारी लेने के लिए हमारे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का ऐप में, वेब में जाके या मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाके आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।